सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको स्क्वायर गले का एक बहुत ही सुंदर और आसान सा डिजाइन बनाने का सिंपल सा तरीका। सबसे पहले फैब्रिक के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने मैजेंटा कलर की ये शर्ट ली हुई है जिसमें हम बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाएंगे। स्क्वायर गला होगा हमारा और डिजाइनिंग के लिए मैंने ब्लू कलर का कपड़ा लिया हुआ है। इस कपड़े से हम डिजाइनिंग तैयार करेंगे। ये मैंने बुकरम ली हुई है। बुकरम की चौड़ाई और लंबाई बताऊंगा आपको। ये मैंने डबल फोल्ड की हुई है तो ये 12 इंच की है। इस तरीके से मैंने फोल्ड की हुई है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 12 इंच की है और जो लंबाई है वो 11 इंच की है। इसमें से हमें यहाँ पे कटिंग करनी है गले की। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं गले की कटिंग। गले की कटिंग के लिए हमें देखना होता है हमें ब्रॉड लेंथ कितनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हमें 6 इंच रखना है तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान नीचे की साइड भी लगाएंगे 3 इंच पे। अगर नीचे की साइड आप कम करना चाहो गले को, चौरस गला होता है तो कई बार क्या होता है कि नीचे से कम रखते हैं, ऊपर से मैंने 3 लिया तो हम यहाँ पे 2.5 इंच भी ले सकते हैं। इस प्रकार इस लाइन को इस लाइन से इस तरीके से जोड़ लेते हैं सीधी। अब हमने यहाँ पे डीप लेंथ देखनी है, डीप कितनी रखनी है। जैसे हमें यहाँ पे 7.5 इंच रखनी है तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम बिल्कुल सीधा इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये निशान लगाने के बाद हमने यहाँ पे 0.5 इंच का एक निशान और लगाना है बाहर की साइड। ये हमने 0.5 इंच का गैप रखते हुए एक निशान और लगा लिया है। अब हम एक निशान लगाते हैं बाहर की साइड। आप इसको 2 इंच भी लगा सकते हो, 2.5 भी कर सकते हो। तो ये मैं 1.25 इंच पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे भी 1.25 इंच पे लगाएंगे, इस साइड भी 1.25 इंच पे और इधर भी 1.25 पे। इन निशानों को हम एक दूसरे से इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से हमने ये जोड़ लिए हैं। अब हमें यहाँ पे ये जो डब्बी बन जाती है हमारी, ये बनेगी 1.25 इंच की चौड़ाई वाली और 1.25 इंच की लंबाई वाली। पूरी डब्बी हमारी 1.25 बाई 1.25 की होगी। हम 1.25 पे यहाँ पे भी निशान लगाएंगे इस प्रकार। आगे की साइड भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे। दूसरी साइड भी 1.25 इंच पे रखेंगे निशानों को। इस प्रकार मैंने ये निशान लगा लिए हैं। अब हम एक साइड से शुरुआत कर दें, इस प्रकार की एंगल देंगे यहाँ पे। इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे इस तरीके से और इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्रॉस डाला है इसी प्रकार आगे तक हम क्रॉस डालते जाएंगे। आगे की साइड भी हम इसी तरीके से क्रॉस डालेंगे। सभी निशानों को हम एक दूसरे से क्रॉस मिलाते हुए इस तरीके का हमने यहाँ पे ये निशान कंप्लीट कर लिया है। एक साइड के निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने इस साइड के निशान कंप्लीट करने हैं। इस साइड के निशान कंप्लीट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जितना भी हमारी यहाँ पे लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये हमारी 3.25 इंच है तो 3.25 के हमने हाफ करना है।
हाफ आएगा हमारा 1.25 से 1 पॉइंट कम, तो यहाँ पे 1.25 से 1 पॉइंट कम पे हम निशान लगा लेते हैं इस प्रकार से। इस साइड का भी हमने ये करना है, निशान लगाना है, यहाँ पे भी हम हाफ पे निशान लगाएंगे सेम इसी तरीके से। यहाँ पे भी हम क्रॉस बना लेते हैं। अब इस तरीके से हमने ये अपने गले के निशान अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। कटिंग सबसे पहले हम करते हैं जो हमें तैयार गला रखना है इसकी, यहाँ पे इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पे चौरस गले की अपनी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे इस चीज पे आपने ध्यान देना है जो मैं अब कटिंग कर रहा हूं। अब हमने यहाँ पे जो कटिंग करनी है इस प्रकार करनी है, इस तरीके से। इसमें दोस्तों कटिंग मेन है, बाकी गले में कुछ भी नहीं है, बनाने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस प्रकार का हमने यहाँ पे ये गला अपना कटिंग कर लिया है अंदर की साइड वाला, बहुत सुंदर हमारा डिजाइन बनेगा। अब हमने डिजाइन कटिंग करना है बाहर की साइड वाला। यहाँ पे भी हमने जैसे आधा इंच का निशान लगाया था, तो बाहर की साइड भी हम आधा इंच का सेम निशान लगाएंगे। चौड़ाई हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इस साइड भी आधा इंच का निशान लगाएंगे, ऊपर की साइड भी। इन निशानों को भी हम एक दूसरे से सेम इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं ऐसे। सबसे पहले हमने बाहर की साइड कटिंग कर लेनी है। बाहर की साइड मैंने यहाँ पे कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमने देखो क्या करना है, मैं आपको फिर से रख के दिखाऊंगा यहाँ पे कटिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैंने यहाँ से कटिंग की है, आधा इंच का हमने यहाँ पे भी ये रखा है, ये निशान लगाया, और आधा इंच का मैंने बाहर की साइड में निशान लगाना है। कहने का क्या मतलब है मेरा, जो हमने बीच में से कटिंग करनी है सिर्फ इस डब्बी की करनी है, ये हमारी रोंग है, इसको हमें निकालना है। इन डब्बियों को यहाँ से, इन डब्बियों को निकालने के लिए हम एक साइड से इसी तरीके से कटिंग करेंगे, जिससे कि ये डब्बी हमारी निकलती जाएंगी। सभी जगह से हमने इस प्रकार से ये डब्बी अपनी कटिंग कर ली है। अब जो हमारी गले की शेप आती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस प्रकार की आएगी यहाँ पे इस तरीके से। तीन डब्बी हमारी यहाँ पे आएंगी, एक दो तीन, ऊपर की साइड आधी डब्बी आएगी
और 3 डब्बी हमारी नीचे की साइड आएंगी। और जो ये बीच का डिजाइन है ये हम बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस इस तरीके से बड़ा पीस बच जाता है, तो इसको भी हम बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग से कंप्लीट करेंगे। अब हमने क्या करना है, इस कपड़े को जो हमारा अंदर वाला पीस है ये छोटे वाला गला, इसको करना है सेम कपड़े के ऊपर पेस्ट, और जो बड़े वाला पीस है इसको करना है हमें नीले वाले कपड़े के ऊपर पेस्ट। यहाँ पे दोस्तों हमने इस प्रकार ये रखने हैं दोनों पीस जो हमने गला कटिंग किया था, और उनको इस तरीके से प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये पेस्टिंग जो मैंने ली हुई है ये चिपकने वाली पेस्टिंग बोलते हैं इसको। ये प्रेस से क्या होता है कि पेस्ट हो जाता है कपड़े के ऊपर, एक साइड इसमें फ्यूल लगा होता है और एक साइड से ये रफ होती है, इसलिए आपने ज्यादातर यही पेस्टिंग यूज करनी है। इस पीस को हम अलग इस तरीके से रख देते हैं, और इस पीस का हमने जो बड़े वाला गला है हमारा जो बाहर का मार्जिन है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं बुकरम के ऊपर, आधा आधा इंच का बाहर का मार्जिन कपड़े के ऊपर इस प्रकार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों दोनों गले हमारे इस प्रकार ये तैयार होते हैं। अब मैं आपको इनकी स्टिचिंग बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें छोटे वाला गला तैयार करना है, ये वाला पिंक वाला। इसको तैयार करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है, और जिसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी इस गले से एक्स्ट्रा होगी। यहाँ पे दोनों साइड बाहर की साइड ये निकला हुआ है इस प्रकार का। बड़े गले के लिए भी मैंने साथ ही कपड़ा कटिंग कर लिया है, क्योंकि इसमें भी हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बड़े गले के लिए मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले हम ये पिंक वाला तैयार करते हैं। इस गले को तैयार करने के लिए बाहर की साइड जो हमारी इस प्रकार की है सेब है, इस बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर आपने बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। इस प्रकार नीचे की साइड हमारा कपड़ा होगा और यहाँ पे ऊपर इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ तक सिलाई कंप्लीट की है, आगे की साइड भी हम सेम इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे यहाँ तक ये सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। नीचे की साइड हमारी इस तरीके से नजर आएगी आपको। अब हमने यहाँ पे कटिंग करनी है एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस प्रकार। आगे तक इसी तरीके से हम कटिंग करेंगे, और जहां पे नोक आएगी वहां पे हम इस प्रकार के कट लगाएंगे सिलाई के नजदीक तक। सिलाई का ध्यान रखें, सिलाई आपकी कटनी नहीं चाहिए, कई बार सिलाई कट जाती है तो आपने वहां पे दोबारा से सिलाई कंप्लीट करनी है। इसी तरह पूरे गले में हम कटिंग करेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे इसको बीच में से पलट लेते हैं इस प्रकार, सभी नोक निकाल लेंगे। यहाँ पे नोक निकालते हुए हम इनको पूरे गले को हम पलटेंगे बाहर की साइड से। इसको भी बाहर की साइड से पलटने के लिए हमें, अगर हम इस तरीके से पूरी थैली पलटते हैं तो हमें दिक्कत आती है, हमने क्या करना है यहाँ पे कटिंग कर लेनी है इस प्रकार से। इस तरीके की कटिंग कर लेनी है। अब हम यहाँ पे इनको इस तरीके से आराम से पलट पाएंगे।
नोक निकालनी है। सभी नोक निकालते हुए इस प्रकार की हमारी ये नोक आ जाएंगी और यहाँ पे इसको हम पलट लेंगे। दोस्तों पलटने के बाद हमारी गले की शेप इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे जो हमारा ये कपड़ा होता है इसको हम हल्का सा और कटिंग कर लेते हैं जिसमें हमें बुकरम नज़र आ जाए इस प्रकार। अब हमने यहाँ कमीज का सेंटर बनाना है और जो हमारा गला है इसका भी हम इसी प्रकार सेंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे जो कमीज की उल्टी साइड हम ऊपर की साइड रखेंगे इस प्रकार से और इस तरीके से यहाँ पे सेंटर बनाते हुए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे कटिंग करेंगे। और दोनों कोनों में इस प्रकार का कट लगाएंगे। इस गले को हम बाहर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे ऊपर से किनारे की एक सिलाई लगाएंगे। जो हमारा गला तैयार है वहाँ पे हमने किनारी की सिलाई लगा दी है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जैसे एक गला तैयार हो जाता है छोटे वाला। अब हम जो बाहर हमने डिजाइनिंग तैयार करनी है इस गले को भी तैयार करते हैं। इस गले को तैयार करने के लिए जैसे मैंने बताया था बाहर की साइड हम एक नीचे की साइड कपड़ा रखते हैं इस प्रकार और वो बाहर की साइड निकला हुआ होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें लेना है नीचे वाला। और यहाँ पे हम जैसे मैंने छोटे गले में सिलाई लगाई थी बुकरम के साथ साथ यहाँ पे भी हम इसी प्रकार सिलाई लगाएंगे। पूरे गले में हम इसी प्रकार सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। सिलाई दोस्तों हमने यहाँ पे ये कंप्लीट कर ली है बुकरम के साथ साथ। अब हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार की कटिंग करने के बाद पूरे गले में हम ऐसे ही कटिंग करेंगे और यहाँ पे इस प्रकार कट लगाएंगे जहाँ जहाँ पे हमारी नोक होती है। ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरीके से पूरे गले में कटिंग करते हैं और जहाँ पे कोने होते हैं वहाँ पे हर कोने पे कट लगाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने सभी जगह कटिंग कर लिया है और यहाँ पे कोनों पे कट लगा दिए हैं। अब हम इस प्रकार नोक निकालते हुए इस तरीके से सभी जगह से इसको पलट लेते हैं। इस प्रकार पूरे गले को पलटेंगे और यहाँ पे प्रेस से अच्छी तरीके से इसे सेट करेंगे और जो नोक होती है सुई की मदद से
नोक निकाल लेंगे। इस प्रकार की नोक होगी हमारी और इस गले को हम प्रेस से अच्छी तरीके से पलटते हुए सेट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार हमने गला पलटते हुए अपना तैयार कर लिया है। अब हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन है बाहर वाला उसको इस तरीके से पलटते हुए गले को ऐसे पलटेंगे और बाहर वाला एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर लेंगे इस प्रकार। ये जो हमने गला पलटा है सिर्फ नोक निकालने के लिए ही हमने यहाँ पे कपड़ा लगा के पलटा है इसको, क्योंकि अगर हम वैसे फोल्ड करेंगे तो नोक अच्छे से नहीं निकल पाती। अब हमारा गला ये तैयार हो गया है बाहर का, इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से अटैच करेंगे इस तरीके से। आमने सामने हमारी नोक रहनी चाहिए। इस तरीके से रखेंगे हम और यहाँ पे भी हमने नोक वाली साइड सिलाई नहीं लगानी है, अभी हमें सिलाई बाहर की साइड लगानी है और इस तरीके से मिलाते हुए लगानी है। आमने सामने नोक रहनी चाहिए सभी पीसों की हमारी। एक साइड सिलाई कंप्लीट करने के बाद दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट करेंगे। प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे ये सिलाई से अपना दूसरी साइड वाला जो बाहर वाला गला है वो अटैच कर लिया है। अब हमें अंदर की साइड सिलाई लगानी है, मैं अंदर की साइड की सिलाई आपको बताऊंगा। दोस्तों गला तो हमारा यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया है, अब अंदर की सिलाई जब हम लगाते हैं तो सिलाई हमें डबल धागे से लगानी है। यहाँ पे जो ये मैंने धागा लिया हुआ है ये डबल ले लिया है सुई में, ये मैंने निडल में डाला हुआ है इस प्रकार से, ये डबल धागा है हमारा। मैं नजदीक से दिखाना चाहूंगा इस प्रकार, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारा पिंक कलर का पीस है जो हमने पिंक के ऊपर सिलाई लगानी है वो हमें लगानी है नीले कलर से, ब्लू कलर से, डार्क ब्लू से, और जिस जो हमारा नीले वाला फैब्रिक है इसके ऊपर जो सिलाई लगाएंगे ये लगाएंगे हम पिंक कलर से। लेकिन यहाँ पे हमने नीडल में डबल धागा डालना है, डबल रील। यहाँ पे इस तरीके से देखो ऊपर मैंने एक रील ये है और एक रील ये है, दोनों इकट्ठे करते हुए यहाँ पे धागा डाल लिया है। इससे क्या होता है ये धागा हमारा इस तरीके से लगता है जैसे एंकर की सिलाई लग रही है। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, सिलाई हमने यहाँ तक ये कंप्लीट कर ली है। अब मैंने बताया था जैसे हमने यहाँ पे भी डिजाइनिंग डालनी है, ये खाली बॉक्स है हमारा, इसमें डिजाइनिंग डालने के लिए मैंने यहाँ पे ये कपड़ा लिया हुआ है, नीले कलर की पट्टी पलटी हुई है, जैसे डोरी पलटी जाती है तो ऐसे ही मैंने एक पैर की यहाँ पे ये पट्टी पलटी हुई है। इनको हम इस लंबाई के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा इस प्रकार से।
अब इनको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। जितनी चौड़ाई वाली हमारी पट्टी होगी उतना ही हमें यहाँ पे गैप रखना है हर पट्टी में एक दूसरे से। इस प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पे ये अपनी पट्टी अटैच कर दी है बराबर गैप रखते हुए। आगे की सिलाई भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और जहाँ पे हमारी दूसरी साइड ये गैप आता है ये बॉक्स बनता है यहाँ पे भी हम इसी तरीके की पट्टी तैयार करेंगे और सिलाई हम इसी प्रकार कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने ये सारी सिलाई अपनी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगा दी है। डबल सिलाई से हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। इस प्रकार की मैंने ये सिलाई लगाई है जैसे देखने में आपको एंकर की सिलाई लगेगी। अब हम दूसरी साइड भी कंप्लीट करते हैं। दूसरी साइड कंप्लीट करने का भी हमारा सेम तरीका होगा। इस बार यहाँ पे हम जो कलर यूज करेंगे पिंक कलर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ तक ये सिलाई कंप्लीट की है और नीचे की साइड मैंने ये पट्टियाँ दबा दी हैं, इसी प्रकार मैं आगे की साइड यहाँ तक ये कंप्लीट करूँगा सिलाई को। और यहाँ पे भी हमने डबल सिलाई लगानी है जैसे मैंने इधर लगाई है, इस साइड भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। दोस्तों दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगाते हुए गला कंप्लीट किया है और बहुत ही सुंदर और यूनिक हमारा ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।